जय माता दी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्री सूक्तम पाठ हिंदी में। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। श्री सूक्त या श्री सूक्तम देवी महालक्ष्मी की आराधना करने हेतु उनको समर्पित मंत्र है। इसे लक्ष्मी सूक्तम भी कहते हैं। श्री सूक्तम ऋग्वेद में वर्णित एक स्तोत्र है। इस स्तोत्र का पाठ धन धान की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। श्री सूक्त का पाठ करने से महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही धन समृद्धि, व्यापार में वृद्धि, ऋण से मुक्ति, आनंद और के लिए इसका पाठ और अनुष्ठान किया जाता है। श्री सूक्तम पाठ को दीपावली की रात में करने का बहुत अधिक महत्व है। संसार में शायद कोई ऐसा ही व्यक्ति हो जो लक्ष्मी जी की कृपा से सुख समृद्धि और सफलता की कामना न रखता हो। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी जी की कृपा होने पर व्यक्ति सिर्फ धन और ऐश्वर्य ही नहीं बल्कि यश एवं कीर्ति भी प्राप्त करता है। और इस श्री सूक्तम में 15 ऋचाएं हैं। महात्म सहित 16 ऋचाएं मानी जाती है, क्योंकि किसी भी स्तोत्र का बिना महात्म के पाठ करने से फल की प्राप्ति नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं श्री सूक्त पाठ। हे जातवेदा अग्निदेव, आप मेरे लिए स्वर्ण के रंग वाली, सोने और चांदी के माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान प्रसन्न क्रांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को आह्वान और अभिमुख करें। हे जातवेदा अग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध महालक्ष्मी को मेरे लिए आह्वान करें, जिनके आगमन से मैं स्वर्ण, गो, अश्व और पुत्रादि को प्राप्त करूंगी। जिस देवी के आगे घोड़े तथा उसके मध्य में रथ जुटे रहते हैं तथा ऐसे रथ में बैठी हुई जो हाथियों के निनाद को सुनकर प्रमुदित होती है, उन्हीं श्री देवी को मैं आह्वान करती हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो, जिसका स्वरूप ब्रह्मा रूप होने के कारण अवर्णीय है और तथा जो मंद मंद मुस्काने वाली है, जो चारों ओर सोने के आवरण से ओतप्रोत है एवं दया से आद्र हृदय वाली तेजोमयी है, स्वर्ण पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के मनोरथों को पूरा करने वाली है, कमल के ऊपर विराजमान और पद्म वर्णा, मैं उन लक्ष्मी देवी का आह्वान करती हूँ। मैं चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकृति क्रांति वाली, अपनी कीर्ति से दैप्तिमान, स्वर्ग में लोकों में इंद्रादि देवताओं से पूजित, अत्यंत दानशील, कमल के मध्य में रहने वाली एवं आश्रयदाती की शरण ग्रहण करती हूँ। उस लक्ष्मी को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ और आपको शरण्य के रूप में वरण करना चाहती हूँ। हे सूर्य के समान क्रांति वाली देवी, आपके तेजोमय प्रकाश से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाहरी और भीतरी दरिद्रता को दूर करे। हे लक्ष्मी, मुझे उत्तम यश, रत्न, धन आदि के साथ देवताओं के सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र प्राप्त हों, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस संसार में जन्म लिया है, अतः हे लक्ष्मी, आप मुझे इसके गौरव के अनुरूप यश, समृद्धि एवं ऐश्वर्य प्रदान करें। मैं भूख प्यास आदि शारीरिक मलिनता के कारण धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की बड़ी बहन अक्ष लक्ष्मी को सदा के लिए विनाश करना चाहती हूँ। हे लक्ष्मी, तू मेरे घर से सभी प्रकार की असमृद्धि, दुख, अनिश्चय और अभाव को दूर भगाओ। मैं सुगंधित द्रव्यों के अपर्ण से प्रसन्न करने योग्य किसी भी शक्तिशाली से ना जीतने योग्य सदा धन धान्यादि देखकर अपने शरणागत भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाली और संसार के समस्त प्राणियों की शाशिका स्वामिनी लक्ष्मी देवी को अपने यहाँ आह्वान करती हूँ। हे लक्ष्मी, मुझे मन की कामनाओं एवं संकल्प सिद्धि, वाणी की सत्यता, गौ आदि पशु एवं अन्यों के रूप सभी पदार्थ प्राप्त हों, संपत्ति और यश आश्रय लें, अर्थात देवी हमारे यहाँ आगमन करें। लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान है। हे कर्दम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करे। केवल इतना ही नहीं प्रार्थना है किंतु अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी को मेरे कुल में प्रतिष्ठित करे। जिस प्रकार वरुण देव द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार हे लक्ष्मी पुत्र चिकलित, आप मेरे घर में निवास करें। दिव्य गुण युक्ता श्रीमान माता लक्ष्मी को मेरे कुल में निवास कराएं। हे अग्निदेव, आप मेरे लिए हाथियों के शुंडाग्र से अभिषिक्त अतेव आद्र शरीर वाली कमल पुष्प करनी, पुष्टि कारनी, पीत वर्णा, कमल की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान स्वर्णिम आभा वाली देवी लक्ष्मी का आह्वान करें। हे अग्निदेव, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली और दया भाव से आदर्शित है, जो मंगलदायिनी अवलंबा प्रदान करने वाली यष्टि रूपा है,
सुंदर वर्ण वाली स्वर्ण माला धारणी सूर्य स्वरूपा तथा हिरणमयी हैं, उन प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी का मेरे लिए आह्वान करें। हे अग्निदेव, कभी ना नष्ट होने वाली उन स्थिर लक्ष्मी का मेरे लिए आह्वान करें, जो मुझे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाने वाली हो, जिसके आगमन से बहुत सारा धन, उत्तम ऐश्वर्य, गोएं, दासियां, अश्व और पुत्रादि हमें प्राप्त होता रहे, जो नित्य पवित्र और संयमशील होकर इस पंचदश ऋचा वाले सूक्त से भक्ति पूर्वक घी की आहुति देता है और इसका पाठ करता है, उसकी यह कामना पूर्ण होती है। और इस प्रकार श्री सूक्त पाठ समाप्त हुआ।